हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M। और बड़ी बेसब्री से आप सभी इंतजार कर रहे थे इस फ्रेजल वर्ब्स की क्लासेस के लिए। और इस डिमांड को देखते हुए हमने भी आज से ये फ्रेजल वर्ब्स की क्लास शुरू करी है। अब देखिए, आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स का पूरा सीरीज मैं लेकर के आ रहा हूं और रोज लेकर के आ रहा हूं। रोज दोपहर 1 बजे आपको यह फ्रेजल वर्ब्स का सीरीज मिल जाएगा। और फ्रेजल वर्ब्स का सीरीज दोपहर 1 बजे मिलेगा और डे 1 का आज का ये क्लासेस है। और बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स है जो पिछले सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए हैं, जैसे कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी के एग्जाम में सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए हैं, जैसे एमटीएस है या फिर आपका सीएचएसएल है या आप सीजीएल सीजीएल ले लीजिए, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ये अपकमिंग एग्जाम्स में भी आने वाले हैं और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में भी पूछे गए हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और ये सबसे पहला वर्ड फ्रेजल वर्ब है एड अप। बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एड अप। एड अप का मतलब क्या होता है? सत्य या उचित प्रतीत होना। एड अप का मतलब सत्य या उचित प्रतीत होना, यानी टू मेक सेंस। टू मेक सेंस यानी सत्य या उचित प्रतीत होना। उम्मीद करते दोपहर 1 बजे आप हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर आप देख सकते हैं या इसको क्लास को अटेंड करिए। दूसरा फ्रेजल वर्ब है आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब है टू बी आंसरेबल फॉर, जिम्मेवारी लेना किसी गलत बात की। मींस कोई भी रिस्पॉन्सिबल होना या अकाउंटेबल जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज के लिए वहां पर रिस्पॉन्सिबल होना, उस यानी आंसर फॉर। कल ही हम लोग सॉरी आज ही हम लोग क्लास किए हैं मॉर्निंग में 6 AM में। 6 AM में मैं बता दूं, रोज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास मिलती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन की सीरीज अभी चल रही है मॉर्निंग में 6 AM। तो वहां पर भी आज हम लोगों ने सीखा था अकाउंटेबल। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है वन हु रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। कोई किसी चीज की जवाबदेही हो या जवाबदेह हो या रेस्पॉन्सिबल हो, तो वहां पर अकाउंटेबल। तो आप एक चीज याद रखिए, जैसे वोकैबुलरी, इंग्लिश में वोकैबुलरी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है और वोकैबुलरी सीरीज ही चल रही है। जिस वोकैबुलरी सीरीज में मॉर्निंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्लास चल रहा है 6 AM में, और दोपहर में 1 बजे यानी अभी आप सुन रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स की क्लासेस। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड नंबर है आस्क आफ्टर। थर्ड नंबर क्या है? आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है टू इंक्वायर अबाउट, यानी किसी के बारे में पूछताछ करना। मीन्स कोई भी चीजों के बारे में जानकारी लेने की इच्छा उत्पन्न हो रही है मन में, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं? आस्क आफ्टर मीन्स टू इंक्वायर अबाउट, किसी के बारे में पूछताछ करना। चार नंबर में हमारा फ्रेजल वर्ब है अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब होता है टू सर्व। टू सर्व यानी सेवा करना। टू सर्व यानी सेवा करना। अटेंड ऑन मीन्स टू सर्व यानी सेवा करना। एक पांच नंबर में है फ्रेजल वर्ब बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, मुश्किल में फंसने से बचने के लिए कदम उठाने से पीछे हटना, यानी बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, मुश्किल में फंसने से बचने के लिए कदम उठाने से पीछे हटना, यानी बैक ऑफ। फिर नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट नंबर है बैक आउट। क्या है बैक आउट? बैक आउट का मतलब होता है टू चूज नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, किसी सहमत बात से पीछे हट जाना, यानी किसी बात पर रजामंदी हो गई, मना हाजी हाजी का सहमति हो गई और फिर उस चीज को करने से पीछे हट गया, यानी बैक आउट कहेंगे उसको। बैकअप, तो बैकअप का मतलब होता है टू सपोर्ट मीन सहायता देना। आप कई बार यूज करते हैं ना, कोई भी बिजनेस प्लान बनाते हैं या कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो फिर याद रखते हैं कि अरे अगर उसमें घाटा होगा तो हमारा बैकअप क्या होगा,
यानी अगर नुकसान होना हो तो फिर बैकअप यानी पीछे से सपोर्ट क्या होना चाहिए, मींस सपोर्ट के लिए कोई ना कोई व्यक्ति ढूंढते हैं या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग ढूंढते हैं। तो यहाँ पर बैकअप मींस टू सपोर्ट यानी सहायता देना। फिर नेक्स्ट है बैंक अपॉन। बैंक अपॉन का मतलब बहुत ही बढ़िया मीनिंग है, मींस टू रिलाई ऑन, किसी पर विश्वास करना या निर्भर करना। मींस बैंक अपॉन का मतलब टू रिलाई ऑन, विश्वास करना। और ये सेकेंड लास्ट कहेंगे इसको, बार्गेन फॉर, मीन्स टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड बी रेडी, किसी चीज की उम्मीद करते हुए तैयार रहना। बार्गेन फॉर का मतलब टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड बी रेडी, मीन्स किसी चीज की उम्मीद करते हुए क्या रहना, तैयार रहना, यानी बार्गेन फॉर। बियर अबाउट, सॉरी बियर अबाउट नॉट, बियर आउट। बियर आउट का मतलब क्या होता है, टू कंफर्म द ट्रूथ, सही साबित होना। बियर आउट का मतलब टू कंफर्म द ट्रूथ, सही साबित होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बियर आउट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बियर आउट कहते हैं, मीन्स टू कंफर्म द ट्रूथ। अब आपको मैं एक बार रिवाइज करा दू, ये टोटल 10 फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों ने किया। ये 10 का 10 फ्रेजल वर्ब्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। यहाँ पर एक नंबर में हम लोगों ने देखा एड अप, क्या देखा एड अप, एड अप का मतलब टू मेक सेंस यानी सत्य उचित प्रतीत होना। दूसरा नंबर में हम लोगों ने देखा आंसर फोर, आंसर फोर मतलब जवाबदेही लेना या जिम्मेवारी लेना। 3 नंबर में हम लोगों ने देखा आस्क आफ्टर, मीन्स टू इंक्वायर अबाउट, किसी चीज के बारे में पूछताछ करना। फिर हम लोगों ने देखा अटेंड, अटेंड अटेंड ऑन, अटेंड ऑन, अटेंड ऑन का मतलब टू सर्व यानी सेवा करना। फिर हम लोग देखा बैक ऑफ, बैक ऑफ का मतलब होता है टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, मुश्किल में फंसने से बचने के लिए पीछे हटना, यानी बैक ऑफ। एक होता है बैक आउट, यानी बैक आउट का मतलब कदम पीछे हटा लेना, सहमत बात से कदम पीछे हटाना। फिर क्या होता है, फिर बैकअप हम लोगों ने देखा, क्या देखा बैकअप, जिसका मीनिंग बहुत बढ़िया हम लोगों ने समझा था अभी। बैक ऑफ, बैकअप, बैकअप का मतलब हम लोगों ने देखा टू सपोर्ट, मीन सहायता करना। बैंक अपॉन भी हम लोगों ने देखा, बैंक अपॉन का मतलब क्या होता है, टू रिलाई ऑन, विश्वास करना। और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट देखा बार्गेन फोर, क्या देखा बार्गेन, बार्गेन फोर, बार्गेन फोर का मतलब किसी चीज की उम्मीद करते हुए तैयार रहना। और फिर हम लोगों ने लास्ट नंबर में क्या देखा बियर आउट, क्या बियर आउट, बियर आउट का मतलब कंफर्म द ट्रूथ, सही साबित होना, क्या सही साबित, सही साबित होना, सही साबित होना यानी बियर आउट, सही साबित होना यानी बियर आउट। ये 10 का 10 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों ने सीखा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोस के लिए, नेक्स्ट क्लासेस के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर आप बने रहिए। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और एक चीज और, इन सारे पीडीएफ्स को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जो कि इसी नाम से है, एग्जाम ट्यूटोरियल 3M के नाम से ही है आपका अपना टेलीग्राम चैनल, जहां पर ये सारे के सारे क्लासेस का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।